नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्टार रोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पेन ड्राइव की आइकन को चेंज कर सकते हैं, वहां पे आप अपना इमेज या और किसी को इमेज लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको इमेज लेना है जो आपको अपने पेन ड्राइव के आइकन पर लगाना है। तो हमारे पास ये इमेज है, इसे मैं अपने पेन ड्राइव के आइकन पर लगाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसका एक्सटेंशन चेंज करना है, .bmp में करना है। ये जो है एक्सटेंशन .jpg में है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये .jpg में है। तो हम इसका एक्सटेंशन चेंज करना है, तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको ओपन विथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसे पेंट में ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आना है और यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए BMP पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो इमेज है इसका नाम आपको लिख लेना है। तो हम नाम वही रन देते हैं F और सिंपली सेव कर देते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा नीचे वाला इमेज है इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया है और .bmp में हो गया है। तो दोस्तों आपका कोई भी इमेज हो, .png हो या .jpg हो, तो आपको उसे एक्सटेंशन चेंज करना है और .bmp में कर लेना है। तो हमने कर लिया। अब आपको यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको नोटपैड ओपन करने के बाद आपको दो लाइन का कोड लिखना है, बहुत ही छोटा कोड है, ब्रैकेट ऑटो रन, ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे आइकन और यहाँ पे अपने इमेज का नाम लिखना है। तो हमारा इमेज है f.bmp और आपको इसे सेव करना है। तो फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ ऑटो रन और लास्ट में आपको .inf लिखना कंपलसरी है, .inf। दोस्तों अगर आप लास्ट में .inf नहीं लिखते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, तो .inf लिखना कंपलसरी है। अब उसके बाद आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे ऑल फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे सेव करना है डेस्कटॉप के ऊपर। सिंपली हमें इसे सेव कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो रन फाइल का आ गया है और इसको आपको कट कर देना है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हो गया है, ये इमेज और ये ऑटो रन फाइल। अब आप इन दोनों को कॉपी करना है और आपको ये जो पेन ड्राइव दिख रहा है, आपका जो पेन ड्राइव है इसको ओपन करना है और इन दोनों चीज़ को लाकर आपको दोनों फाइल को लाकर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा इमेज हो गया और ये ऑटो रन फाइल हो गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आइकन चेंज नहीं हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपको इजिक्ट कर देना है, पेन ड्राइव को निकाल देना है और फिर से आपको वापस लगाना है पेन ड्राइव को। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आइकन है वो चेंज हो गया है, पेन ड्राइव का आइकन चेंज हो गया है। और दोस्तों जब तक आपका इमेज आपके पेन ड्राइव में रहेगा तब तक आपका आइकन जो इमेज है वही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।